गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म। जीएसटी के अंदर अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज जो है वो चालू हो गया है। अलग अलग और इंटरेस्टिंग एडवांस रूलिंग्स जो हैं वो आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। अभी कुछ दिन पहले डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को लेकर के हुआ था कॉन्ट्रोवर्सी, फिर रोटी और पराठा को लेकर के हुआ कॉन्ट्रोवर्सी, अब आया है जमीन की खरीद बिक्री के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट गुजरात का एडवांस रूलिंग AAR निकल करके आया है। आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या फैक्ट्स है, क्या डिसीजन निकल के आया है। इन सारे डिस्कशंस को स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, GSTR 4 जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए फाइल होना है उसके अंदर क्या देना है, किस तरीके से डिटेल्स जाना है, फॉर्म्स नोटिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं और उसके अंदर किस तरीके से ब्रेकअप जाएगा, इन सारी चीजों के विषय में 5 जुलाई 2020 को 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर आपको GSTR 4 के साथ साथ GSTR 3 भी जो जुलाई से लेके जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 की फाइलिंग होनी है उसमें किस किस चीज की दिक्कतें आपको आ सकती हैं, इन दो टॉपिक्स को लेकर के डिस्कशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 28 जून तक रजिस्ट्रेशन डिस्काउंटेड प्राइस पे होंगे, आफ्टर दैट वो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए क्या है ये फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या बातें इसमें बताई गई और क्या डिसीजन इसमें निकल के आया। ब्रीफ फैक्ट्स ये कहता है, द एप्लीकेंट हैज सबमिटेड दैट ही हैज हैविंग अ वेकेंट लैंड आउटसाइड द म्युनिसिपल एरिया ऑफ द टाउन ऑन विच ही हैज सम प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि जो एप्लीकेंट है, जिसने क्वेश्चन पूछा है एडवांस रूलिंग से या एडवांस रूलिंग के अथॉरिटीज से कि उसके पास एक खाली जमीन है, उस जमीन के ऊपर वो कुछ बिजनेस एक्टिविटीज करना चाहता है। द एप्लीकेंट इज हैविंग ऑल द नेसेसरी अप्रूवल्स फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी नेसेसरी प्रपोजल्स हैं या जो भी अप्रूवल्स हैं वो सारी चीजें उनके पास अवेलेबल हैं जिला पंचायत लेवल के ऊपर। The applicant has further submitted that as per the plan passing authority, the seller of the land is required to develop the primary amenities like sewerage and the drainage line, water line, electricity line, land leveling for road, pipeline facilities for drinking water, street lights, telephone line, etc. अब यहाँ पर ये most important paragraph है, जो plan passing authority है, जो उस प्लॉट को पास करती है उसके अंदर कुछ बेसिक एमिनिटीज का कंडीशन लगाया गया है कि आप इस लैंड को बेचेंगे इसके अंदर आपको ये प्राइमरी एमिनिटीज जो है वो इनबिल्ट करके देनी होगी, लैंड के साथ देनी होगी, जैसे कि सीवरेज लाइन हो गया, वाटर का कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो गया, जो आपकी जमीन है उसको समतल करके देना, बराबर करके देना है, पाइपलाइन की फैसिलिटीज देना है, स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटीज देना है, टेलीफोन लाइंस वगैरह देना है, बेसिकली कॉमन एमिनिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी है अलोंग विद द सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। द एप्लीकेंट फर्दर सबमिटेड दैट दे विल सेल द इंडिविजुअल प्लॉट्स टू द डिफरेंट बायर्स विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन ऑन द सेम बट बाय प्रोवाइडिंग द प्राइमरी एमिनिटीज एज मेंशनड अबव। अब जो एप्लीकेंट है वो ये कह रहा है कि हम लोग इंडिविजुअल बायर्स को प्लॉट ऑफ लैंड बेचेंगे, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, सिविल स्ट्रक्चर नहीं होगा, प्लॉट ऑफ लैंड बेचेंगे लेकिन उसके साथ साथ हमें जो प्रोवाइड करना है प्राइमरी एमिनिटीज एज पर द जिला पंचायत अप्रूवल्स वो भी साथ में जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर विच एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी primary activities such as drainage line, water line, electricity line, land leveling, etc. are to be provided by the applicant. यानी कि land के साथ साथ जो ये services दी गई, जो amenities दी गई हैं, क्या इसके ऊपर GST लगेगा या नहीं, ये सवाल पूछा गया। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या बताया गया discussions and findings के अंदर। We have considered the submissions by the applicant in their application for the advance ruling as well as at the time of personal hearing. सारी चीजों को सुना गया, समझा गया personal hearing के अंदर भी और जो applications के अंदर दी गई थी details. In this case, a moot point is to decide as to whether GST is applicable on the sale of plot of land
फॉर विच एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी एमिनिटीज सच एज ड्रेनेज लाइन वाटर लाइन इलेक्ट्रिसिटी लाइन लैंड लेवलिंग एक्सेट्रा आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए जब प्लॉट ऑफ लैंड सेल हो रहा है और उस लैंड को डेवलप किया गया, डेवलप करने के लिए कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज उसके अंदर एमिनिटीज जो है वो दी गई हैं एज पर द अप्रूवल गिवन बाय जिला पंचायत, क्योंकि प्लान एक्टिविटीज के हिसाब से ही आप प्लॉट ऑफ लैंड जो है उस एरिया में सेल आउट कर सकते हैं। तो क्या इस पूरे ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं। कमिंग टू जीएसटी, The tax is levied on the supply of goods or services. GST के ऊपर जो हमारा taxation होता है, वो होता है on supply of goods or supply of services. Schedule 3 to the GST law set out the activities or transactions which are treated as neither a supply of goods nor as a supply of services. Schedule 3 जो है GST का, उसके अंदर कुछ entries दी गई हैं, कुछ activities बताई गई हैं, जो कि ना तो supply of goods हैं, ना ही supply of services हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि शेड्यूल 3 के अंदर एंट्री नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरीके से बात करता है, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। यानी कि सेल ऑफ लैंड शेड्यूल 3 के अंदर है, यानी कि ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और सेल ऑफ बिल्डिंग भी, लेकिन सेल ऑफ बिल्डिंग कौन सी, जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, क्योंकि क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स की बात करता है। तो यहां पर आपको समझना है सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो है शेड्यूल 3 का पार्ट है, यानी कि ये दोनों ट्रांजेक्शन ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो इस केस में इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए एज पर शेड्यूल 3। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर that the transactions shall be out of the GST net only if the activity is exclusively dealing with the transfer of title or the transfer of ownership of land which is immovable property on the earth। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस तरीके से interpret किया जा रहा है इसको कि sale of land तभी ये schedule 3 का part बनेगा जब वो वेकेंट लैंड होता, सिर्फ और सिर्फ लैंड की जो ओनरशिप है उसे ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके टाइटल को ट्रांसफर किया जा रहा है, इसके अलावा अगर उसमें कोई भी बेसिक एमिनिटीज आ जाएंगी तो वो शेड्यूल 3 के अंदर कवर नहीं होगा। आगे इन्होंने इस चीज को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करा है। हियर द सब्सटेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। Where the nature of activity is that only sale of immovable property of plot it is excluded from GST levy. अगर वो सिर्फ और सिर्फ immovable property रहता, अगर सिर्फ plot रहता, तो वो sale अगर किया गया होता तो उस पर GST नहीं लगता, वो schedule 3 में आ जाता। As per the applicant, he is the owner of the land who develops the land with an infrastructure. अब यहाँ पर हो क्या रहा है, लैंड है उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है, प्राइमरी बेसिक एमिनिटीज हैं जो कि प्लान अप्रूविंग अथॉरिटी ने बोला है ये चीजें करके देने के लिए, जैसे कि ड्रेनेज लाइन वाटर लाइन इलेक्ट्रिसिटी लाइन वगैरह वगैरह जो मैंने आपको पहले ही बताया। आफ्टर दिस डेवलपमेंट ऑफ द लैंड ही विल नॉट डू एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, ही सेल्स ओनली डेवलप्ड लैंड एट प्लॉट्स। उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो लैंड को डेवलप करेगा और डेवलप्ड जो प्लॉट्स हैं वो इंडिविजुअल बायर को सेल आउट करेगा अलोंग विद द बेसिक एमेनिटीज। वी फाइंड दैट द प्लॉटेड डेवलपमेंट इज अ स्कीम व्हिच इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग लैंड इनटू लेआउट आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी प्लान अप्रूवल फ्रॉम द डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट ऑल द परमिशंस रिक्वायर्ड टू टेक अप कमेंस एंड कंप्लीट व्हाट वुड बी द लेआउट comprised of the individual sites। कहने का मतलब है कि जो plan approval authority है उससे permission लेने के बाद उस land को develop किया गया ताकि वहां पे sell out करने की conditions में आ सके उस particular area को। In the activity of plan development or plot development, the following are done: leveling the land, construction of boundary walls, construction of roads, laying of underground cables, water pipelines, laying of underground sewerage lines with the sewer treatment plants, development of landscape gardens, drainage system, water harvesting system, demarcation of individual plots, construction of overhead tanks,
अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स। अब उस प्लॉट को बेचने के लिए ये सारी फैसिलिटीज उसके अंदर कंस्ट्रक्ट करी गई, ये सारी फैसिलिटीज उसमें प्रोवाइड करी गई। अब यहां पर देखिए आगे इन्होंने क्या बोला है, सेल ऑफ सच साइट्स इज डन टू एंड कस्टमर्स हु मे कंस्ट्रक्ट हाउसेज विलास इन द प्लॉट्स। अब उस प्लॉट को बेचने के बाद वो जो परचेजर है वो उसके ऊपर या तो घर बनाएगा या विलास बनाएगा, जो भी उसका पर्पस है वो करा जाएगा उस साइट के ऊपर। अब आगे इन्होंने बोला है, द सेलर्स चार्ज द रेट्स ऑन सुपर बिल्डअप बेसिस एंड नॉट द एक्चुअल मेजर ऑफ द प्लॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कंटेंशन ये है कि जो आप वैल्यू चार्ज कर रहे हैं वो सुपर बिल्डअप बेसिस पे कर रहे हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ लैंड की कीमत उस पे लेते हैं। अगर आप सुपर बिल्डअप बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, सेलर अगर चार्ज कर रहा है, तो वो जो कॉमन फैसिलिटीज हैं, उसकी सर्विसेज, उसकी जो कॉस्टिंग है वो भी अपनी वैल्यू में इंक्लूड करेगा। द सुपर बिल्डअप एरिया इंक्लूड्स द एरिया यूज फॉर द कॉमन एमिनिटीज सच एज रोड्स, वाटर टैंक एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर बायर एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद रहा है तो जो कॉमन एमिनिटीज का प्रोपोर्शन उसके हिस्से में आएगा, उसके कॉस्टिंग का पार्ट भी सेलर जो है उससे रिकवर करेगा अलोंग विद द पोर्शन ऑफ लैंड वैल्यू। दस इन इफेक्ट द सेलर इज कलेक्टिंग चार्जेस टुवर्ड द लैंड एज वेल एज द कॉमन एमिनिटीज रोड्स वाटर टैंक एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। इन अदर वर्ड्स, सच कॉमन एमिनिटीज रोड्स वाटर टैंक एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द प्लॉट allotted to the buyer। इसीलिए वो जो amenities है वो intrinsic part है उस particular plot का जो कि buyer को दिया गया। intrinsic मतलब उसको वहां से अलग नहीं किया जा सकता। The above indicates the sale of developed plot is not equivalent to the sale of land but is a different transaction। इन सारी discussions के बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो transactions है ये sale of land नहीं है but it is a sale of developed plot। अब आगे इन्होंने लिखा है, इन प्रेजेंट केस वी आल्सो फाइंड दैट द एप्लीकेंट इज द ओनर ऑफ द लैंड। जो एप्लीकेंट है वो जमीन का मालिक भी है। हु डेवलप्ड द लैंड विद एन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन एटसेट्रा। आफ्टर दिस डेवलपमेंट ऑफ द लैंड ही सेल्स डेवलप्ड लैंड एट प्लॉट्स। हिज सेल्स प्राइस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ लैंड एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ कॉमन एमिनिटीज, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, electricity line, land leveling charges on a proportionate basis। जो मैंने आपको बताया कि उसकी जो sale price है उसमें land के साथ साथ electricity का, water line का जो facilities दिया गया है उसके भी costing जो है वो recover करी जाएगी purchaser से। Schedule 2 of CGST Act 2017 pertains to the activities or transactions to be treated as supply of goods or supply of services। शेड्यूल 2 जो है हमारा सीजीएसटी एक्ट का, वो बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस। एज पर क्लॉज 5B ऑफ द शेड्यूल 2, वहां पर 5B के अंदर जो एंट्री दी गई है वहां पर एक एंट्री है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स या अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट अगर आप किसी को बेचते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के हेड में आएगा और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली जीएसटी जो है वो लग जाएगा एंड हेंस इट इज लायबल टू द जीएसटी। वी फाइंड दैट द एक्टिविटी ऑफ द सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट्स वुड बी कवर्ड अंडर द क्लॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर द सेल टू बायर। इन सारे डिस्कशंस को देखते हुए एडवांस अथॉरिटी जो AAAR की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये बोला कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को शेड्यूल 3 में नहीं देखा जा सकता, इसे देखना होगा शेड्यूल 2 5B की एंट्री के साथ जिसमें बताया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर। दस द सेड एक्टिविटी इज कवर्ड अंडर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड जीएसटी इज पेएबल ऑन द sale of developed plots in terms of CGST Act and relevant notification। तो ये जजमेंट आया है, ये रूलिंग्स आई है, काफी कंट्रोवर्सी इसके ऊपर भी होने वाली है। जैसे गवर्नमेंट ने डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर क्लैरिफिकेशन लाया था, जल्द से जल्द इसके ऊपर भी उम्मीद है कि ये क्लैरिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अगर इसके ऊपर जीएसटी लगा भी दिया गया तो इसकी मैकेनिज्म को लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि वैल्यूएशन कैसे होगा,
कंपोजिट सप्लाई का क्या होगा, अगर आप इसको सप्लाई नहीं मानेंगे या फिर आपको सप्लाई अगर मानते हैं तो क्या ये कंपोजिट सप्लाई के डेफिनेशन में फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, काफी सारे इश्यूज इसके साथ निकल के आने वाले हैं। तो अब हमें वेट करना है कि इसका क्लैरिफिकेशन कब आता है और क्या आता है। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग केसेस और जो रूलिंग्स आ रही है वो आपको रेगुलरली मिलती रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए आपके पास वो इंफॉर्मेशन जो है तुरंत से पहुंच